हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रोसरी आइटम्स पर। मैं यहाँ पर कोई रिव्यू शेयर नहीं कर रही, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इस कोरोना वायरस टाइम पर अपनी ग्रोसरी को किस तरह से प्रोटेक्ट रख सकते हैं, कोरोना वायरस फ्री रख सकते हैं अपनी ग्रोसरी को। जब हम मार्केट से अपनी ग्रोसरी को लेकर आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि इसको सिर्फ हमने ही छुआ है, इसको सभी ग्रोसरी आइटम हो या फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सब चेक करके लेते हैं तो हो सकता है इसके ऊपर कोरोना वायरस एक्टिव हो, यानी कि कहने का मतलब है कि इस पैकेट के ऊपर कोरोना वायरस हो। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर कोरोना वायरस नहीं है, क्योंकि सभी इसको हाथ से टच करते हैं तो इस पर कोरोना वायरस एक्टिव हो सकता है। जब हम अपनी ग्रोसरी को मार्केट से घर लाते हैं तो उसको किस तरह से सेव करना चाहिए, क्या अपनी ग्रोसरी को वॉश करना ठीक है या नहीं, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और किस तरह से आप अपनी ग्रोसरी को सेव कर सकते हैं कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस फ्री बना सकते हैं, आज मैं आपके साथ वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ। तो जब हम अपनी ग्रोसरी को मार्केट से लेके आते हैं या हम ऑर्डर करते हैं तो हमें या तो कार्टून बैग में आएगी या इस तरह के हम जो पैकिंग बैग्स होते हैं इस तरह के बैग्स में आती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए इस तरह से अगर ये बैग के अंदर हमारी आइटम्स हैं, मैं कुछ दो से तीन आइटम इस बैग के अंदर रख देती हूँ और सपोज करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ये देखिए इस तरह से मैंने ये दो से तीन आइटम इस तरह से बैग में रख लिए हैं और हमको ये क्या कहते हैं, हमें ऑर्डर पे करने पर ये हमारे घर पर आ गए हैं। तो जब हम इसको इस तरह से उठाकर लेकर आते हैं या किसी भी तरह से आपने इसको यूज़ किया है तो इस पैकेट को या कार्टून को किस तरह से भी, जिस तरह से भी आपका आइटम आया है मार्केट से, आपको उसी तरह से या तो आप ग्लव्स पहनकर अपने हाथों में उस तरह से ही इसको पकड़े और एक ऐसे स्थान पर या प्लेस पर आप इसको रख दे जिससे कि आप इसको 24 आवर्स तक यूज़ न करें। तो इसके ऊपर अगर कोरोना वायरस एक्टिव होगा तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं कर पाता। आप न्यूज़ में भी सुन रहे हैं कि 8 से 10 घंटे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उस पर एक्टिव रह सकता है। तो आप क्या करें, 8 से 10 घंटे की जगह आप इसको 24 आवर्स ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर इसको आप छुएं नहीं, तो इसके ऊपर जो कोरोना वायरस एक्टिव होगा तो वो नहीं रहेगा। तो उसके बाद 24 आवर्स के बाद आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ अपने बैग में से निकाल कर अपने प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली निकाल करके। तो एक तो तरीका आपका ये हुआ कि आपको जो भी प्रोडक्ट आप बाहर से ला रहे हैं उसको आप एज इट इज़ 24 आवर्स, डॉक्टर 8 से 10 आवर्स न्यूज़ में बता रहे हैं, तो आप 8 से 10 आवर्स न होकर के इसको 24 आवर्स के लिए इसी तरह जैसे पैकेट में आए हैं उसी तरह से ऐसे जगह पर रखें जहां पर आप इसको दोबारा छुए नहीं। लेने के बाद अपने हैंड्स को 20 सेकंड्स के लिए अच्छे से वॉश करें और 24 आवर्स के बाद आप अपने प्रोडक्ट को एज यूजुअली यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है, जब कभी आपका प्रोडक्ट आ रहा है और आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक मुझे नहीं लग पा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, उस ये प्रोडक्ट बिल्कुल क्लोज है, ये देखिए इसको हम या तो ये देखिए खाने का आइटम है, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि सभी प्रोडक्ट्स को, इवन चाहे आपकी सॉस बोतल हो, कोई भी आइटम हो, उसको सबको वॉश कर रहे हैं, तो आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आइटम जिस पर खुला हो तो उस पर आप क्या करें, ये देखिए मेरा है सैनिटाइज़र है, तो इस तरह से अपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर हल्का सा आप इस तरह से, मैं नहीं करती हूँ इस तरह से, लेकिन ये है कि कोई किसी का ये है कि नहीं हमें इस तरह से एक्टिव रहेगा इसके ऊपर, तो इस तरह से हल्का सा सैनिटाइजर लगा करके आप इसको 8 से 10 घंटे इसी तरह से छोड़ दीजिए, तो उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर मैं जो ग्रोसरी आइटम्स होता है उसको 24 आवर्स के लिए बाहर रख देती हूँ और उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर कोरोना वायरस एक्टिव नहीं रहता। आपको अपने प्रोडक्ट्स को वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप जैसे कि बच्चों की बुक्स वगैरह या कोई भी आइटम इस तरह से बुक्स आए हैं तो उसको भी आप 24 आवर
अपना बाहर रख दीजिए, उसके बाद आप यूज करिए। और ये जैसे कि ये पैकेट वाले जूस जो आते हैं, बच्चों को डायरेक्टली स्ट्रॉ के थ्रू मैंने नहीं दिया, मैंने ग्लास में अपना ओपन करके उसको और ग्लास में डाल के दिया। इसी तरह से आप भी बच्चों को जूस वगैरह जो है अभी ग्लास में डाल के दीजिए, डायरेक्ट जो भी है सैशेट या जो भी अपना बॉटल्स में या आते हैं, तो उस तरह से नहीं, आप अपना बच्चों को ग्लास में डाल के दीजिएगा। और इसी तरह से आप अपने ग्रोसरी आइटम्स को यूज कर सकते हैं। कोई धोने की जरूरत नहीं, कोई साबुन से डिटर्जेंट से अपने प्रोडक्ट को धोने की जरूरत नहीं। आप एज इट इज 24 आवर्स इसको रखें और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, कोई भी ग्रोसरी आइटम हो। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर सैनिटाइजर लगा है, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए कि जो आपका ईटेबल आइटम हो उसके आप उसके ऊपर आप सैनिटाइजर लगा रहे हैं, वो बिल्कुल भी मैंने नहीं बोला। आपके बिल्कुल पैकेट्स बंद हैं, सील पैक है, उसी के ऊपर आप सैनिटाइजर लगा सकते हैं, अगर एक ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो। मैंने ऑप्शन के तौर पर बताया है, जरूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर सैनिटाइजर लगाएं। मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको 24 आवर आप रखें और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। बुक्स हो या कोई भी, अगर आपका एज पर देखिए ये आपका है एक आपका ऑनलाइन शॉपिंग से एक प्रोडक्ट, सपोज करें एक प्रोडक्ट आया है, तो इसको भी आप बाहर रखें और 24 आवर्स के लिए इसके बाद बाहर रखें और उसको भी आप जो है यूज करें। उसके बाद जो भी आपका बाहर से, जब तक कोरोना वायरस से सिचुएशन हमारी ठीक नहीं हो जाती है, तो तभी तक आप प्रोडक्ट को इसी तरह से यूज करें। 24 आवर्स तक आप अपने प्रोडक्ट को बाहर रखें, उसके बाद कोरोना वायरस एक्टिव नहीं रहता, तो उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को एज इट इज यूज कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।